नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका बिहारी न्यूज में। मैं रतन सेन भारती, आज हम बात करेंगे बैंकों को लेकर। हर साल का मार्च का महीना वित्तीय कार्यों के लिए काफी महत्वपूर्ण होता है। इस महीने को फाइनेंशियल ईयर के रूप में भी जाना जाता है। इस महीने में बैंक के कार्यों को लेकर कर्मचारियों पर काफ़ी प्रेशर होता है। ऐसे में ज़रा सोचिए, अगर इस महीने में कोई त्यौहार आ जाए और उसमें भी 3 से 4 दिन की छुट्टी हो तो काम का दबाव कितना बढ़ जाता है। बता दें कि इस बार होली का त्यौहार मार्च महीने में ही है। ऐसे में बैंकिंग सेक्टर में छुट्टियों को लेकर काफ़ी दबाव है। अगर आप इस दौरान बैंक जा रहे हैं तो आपको बैंकों की छुट्टियों की लिस्ट जरूर देख लेनी चाहिए। होली को लेकर यह सप्ताह कई मामलों में अहम होने वाला है, क्योंकि इस सप्ताह में 7 में से 4 दिन छुट्टी होने वाली है। ऐसे में अगर आपका बैंक में जुड़ा हुआ कोई कार्य अटका हुआ है तो उसको लेकर आपको एक बार फिर से सोचने की ज़रूरत है, उस पर विचार करने की ज़रूरत है, उसे निपटाने की भी ज़रूरत है, नहीं तो आपको बैंक से जुड़ा हुआ कार्य अटक सकता है। आपको कई तरह की परेशानियों का भी सामना करना पड़ सकता है। बता दें कि होली की छुट्टियों को लेकर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अपनी छुट्टियों की लिस्ट जो है वो जारी कर दी है। इस छुट्टी को अगर हम माने तो इस सप्ताह में आपको होली के त्यौहार को लेकर अपने पूरे काम जो है वो कर लेने होंगे, क्योंकि बैंक जो है वह 4 दिन की छुट्टी पर जाने वाली है। तो आइए एक नज़र डाल लेते हैं इस सप्ताह में बैंकों की छुट्टी को लेकर। तो सबसे पहले बात 17 मार्च को लेकर। 17 मार्च को होलिका दहन है। इस दिन उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और झारखंड में बैंकों का ब्रांच बंद रहेगा, लेकिन बिहार में बैंक खुले रहेंगे। वहीं अगर हम बात कर लें 18 मार्च की, तो होली का त्यौहार देश में अलग अलग नामों से अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग तरीके से मनाया जाता है। ऐसे में 18 मार्च को देश के अलग अलग क्षेत्रों में होली, घुलेटी और ढोल यात्रा के त्यौहार से भी मनाया जाता है। 19 मार्च को यानी कि शनिवार को उड़ीसा, मणिपुर और बिहार में बैंकों का काम बंद रहेगा। इसके बाद आता है 20 मार्च और यह दिन है रविवार का। रविवार को साप्ताहिक अवकाश रहता है। ऐसे में आपका कार्य अगर बैंक से जुड़ा हुआ है तो आप इन छुट्टियों पर पूरी तरह से ध्यान दें। होली को लेकर बैंक भले ही बंद रहेगा, लेकिन आपके ट्रांजैक्शन का कार्य नहीं रुकेगा। आप इन छुट्टियों के दौरान डिजिटल तरीके से अपने कार्य का जो है निपटारा कर सकते हैं, यानी कि अपने लेन देन का निपटारा कर सकते हैं। आप इन दिनों UPI मोबाइल बैंकिंग के साथ इंटरनेट बैंकिंग के का कार्य से जो है अपने ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। इन सब के बीच में आपको अगर ATM से पैसे निकालने की ज़रूरत है तो आप अभी से निकाल लें, क्योंकि आने वाले दिनों में बैंक 4 दिनों तक बंद रहेगा। इसलिए आप ATM से पैसे निकाल लें, क्योंकि ATM में बैंक बंद रहने के कारण ATM में पैसे नहीं डाले जाएंगे, जिससे कि आपको जो है परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। बैंक में छुट्टी से पहले आपको जो है कागजी काम को जो है पूरी तरह से निपटाने की ज़रूरत है। अगर आप कागजी काम को नहीं निपटाते हैं तो आपको आने वाले दिनों में परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। आप ट्रांजैक्शन भले ही ऑनलाइन कर सकते हैं, लेकिन बैंकों से जुड़े हुए कागजी कार्य जो है वो आप नहीं कर पाएंगे। तो ऐसे में बुधवार से पहले आप बैंकों में कागजी काम को ज़रूर कर लें। बिहार और बिहार से जुड़ी हुई और भी ऐसे इन खबरों के लिए बने रहें बिहारी न्यूज़ के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।